गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों को वेजिटेरियन मंचूरियन बना के दिखाएगा, उसके साथ फ्राइड राइस भी बना के दिखाएगा। सबसे पहले वेजिटेरियन मंचूरियन के क्या क्या चाहिए। गाजर चाहिए, यानी कैरेट ग्रेट है, एक फ्रेंच बीन्स है ग्रेटेड है, एक केविज है, और एक शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम। एक बोल में थोड़ा एक कप गाजर डालेगा, एक कप बीन्स डालेगा और एक कप से ज़्यादा थोड़ा केविज डालेगा। उसके बाद कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डालेगा। इसका अंदर स्प्रिंग ऑनियन का पत्ता जाएगा, लेकिन नीचे का भाग है थोड़ा हरा मिर्ची जाए, हरा ग्रीन चिली आएगा, तो स्प्रिंग ऑनियन जाएगा, अदरक जाएगा जिंजिबिल यानी अदरक, थोड़ा गार्लिक जाएगा, सॉरी थोड़ा गार्लिक जाएगा, मसाला में ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालने का क्योंकि इसका अंदर सोया सॉस जाएगा, सोया सॉस में नमक रहता है, थोड़ा अजीना मटर, आपको चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालो। तीन स्पून मैदा जाएगा, ऑल पर्पज फ्लावर, एक कॉर्नफ्लावर है ये वो तीन स्पून जाएगा, इसमें सोया सॉस जाएगा, ये सोया सॉस है अच्छा ब्रांड का है, अभी सबको एक साथ मिक्स करना है। ये अच्छा मिक्स हो गया, अभी बनने के लिए बहुत अच्छा है, फ्राई करने के टाइम नहीं खुलेगा। अभी इसको एक एक बॉल बनाएगा, अभी मैं गोला बना लिया, अभी इसको तेल में एक एक करके फ्राई करेगा। तेल को मैं पहले से गर्म करके रखा, बाद में मीडियम हीट में इसको फ्राई करना है, स्लो नहीं करना है नहीं तो एक खुल जाएगा। अभी देखो ये फ्राई हो गया, अच्छा कलर आ रहा है, अभी फ्राई हो गया। अभी मैं उठा के एक किचन टॉवल का ऊपर रखेगा, देखो कितना अच्छा कलर हो गया, फ्राई हो गया। अभी मैं गैस का चूल्हा बंद कर देगा। अभी ये मंचूरियन वेजिटेबल फ्राई हो गया। अब इसका सॉस के लिए क्या चाहिए, गार्लिक चॉप चाहिए, अदरक चॉप चाहिए, ग्रीन चिल्ली चॉप चाहिए और प्याज, बाद में सोया सॉस, चिल्ली सॉस, टमाटो केचप, वाइट विनेगर, नमक, ब्लैक पेपर, अजीना मटर और कॉर्नफ्लावर, दो टीस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी डाल के घुल के उसको गाढ़ा करने के लिए सॉस। सबसे पहले मैं चूल्हा चालू किया, चालू कर रहा है,
इसमें थोड़ा तेल डालेगा, ऑयल गर्म होने के साथ साथ हम थोड़ा गार्लिक डालेगा, थोड़ा जिंजर डालेगा यानी अदरक, तो थोड़ा सौते करना है, ग्रीन चिल्ली थोड़ा डालेगा, मिर्ची, गार्लिक और जिंजर को अच्छा से सौते होना मानता है। अभी मैं इसमें ऑनियन डालेगा, जितना चाहिए उतना डालो। अब इसको सब एक साथ अच्छे से हल्का ब्राउन होना चाहिए। अभी ये सब अच्छा ब्राउन हो गया थोड़ा थोड़ा, इसमें सबसे पहले मैं सोया सॉस डालेगा, करीबन 2 से 3 टीस्पून। उसके बाद चिली सॉस डालेगा थोड़ा, ये टमाटर केचप है ये थोड़ा डालेगा 2 से 3 टीस्पून, और थोड़ा व्हाइट विनेगर, अभी इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर, सॉल्ट थोड़ा डालेगा क्योंकि सोया सॉस में सॉल्ट है, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये अजीना मटर है, ये आपको अगर आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन चाइनीज में ओरिजिनल चाइनीज में अजीना मटर जाता है। ये आपका सौते होने के बाद हम वेजिटेबल स्टॉक बनाया, सब्जी को बॉईल करके मैं स्टॉक बनाया, वो थोड़ा डालेगा, ये सब्जी बॉईल करके हम स्टॉक बना के रखा। आपको ग्रेवी कितना चाहिए, सॉस कितना चाहिए उसको ऊपर डालो, आप सूखा मानते हो तो थोड़ा पानी डालो। अभी इसको अच्छा से उबलने दो। अभी मैं फ्राइड राइस के लिए थोड़ा रेडी करेगा, तब तक लिए वो बॉईल होने दो, थोड़ा तेल डालेगा। सबसे पहले थोड़ा सा गार्लिक डालेगा, थोड़ा सा जिंजर डालेगा यानी अदरक और लहसुन, ज्यादा नहीं डालने का बाद में, ये फ्राइड राइस के लिए। ये थोड़ा सौते होने के बाद हम थोड़ा सा ऑनियन डालेगा, ऑनियन हल्का ब्राउन हो गया, अभी थोड़ा ग्रीन चिली डालेगा, ग्रीन चिली डालने के बाद मैं थोड़ा सब्जी को सौते करेगा। ये सब्जी का अंदर गाजर है, कैरेट है, ग्रीन पीस है, ग्रीन बीन्स है, छोटा छोटा काट के बॉईल करके रखा था, इसको थोड़ा टाइम हम फ्राई करेगा। अभी ये सौते होने दो, तब तक हम चला जाएगा हमारा मंचूरियन ग्रेवी के लिए। अभी मंचूरियन ग्रेवी होने के लिए अभी थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालेगा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर में 2 टीस्पून पानी डाला, एक कॉर्नफ्लावर है, अभी इसको आराम से ग्रेवी को गाढ़ा होने के लिए उसके साथ हम जो वेजिटेबल फ्राई किया वो डालेगा।
ये दो मिनट ग्रेवी के अंदर पकाना मानते हैं। उसके बाद इसको ऊपर स्प्रिंग ऑनियन जो है वो थोड़ा डाल देने का। अब ये हो गया, ये यमी यमी वेजिटेबल मंचूरियन हो गया। अभी मैं फ्राइड राइस में आ गया। अभी सब्जी सते हो गया, अभी इसमें चावल डालेगा। ये चावल पहले मैं बॉईल करके रखा, हाफ बॉईल, फुल बॉईल नहीं करने का। अब बॉईल पका के इसको अच्छे अच्छे ठंडा होना चाहिए चावल। ये बासमती राइस है, इसमें थोड़ा सोया सॉस डालेगा। ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा जाएगा। सॉल्ट थोड़ा जाएगा। चावल बॉईल करने का टाइम तेल और नमक डाल के बॉईल करना है। थोड़ा अजीना मोटो ये आपका ऊपर है, आप डालो तो नहीं डालो कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसको अच्छे से फ्राई करना होता है। अभी फ्राइड राइस हो गया, इसके ऊपर थोड़ा ऑनियन के पास है स्प्रिंग ऑनियन, ये रेडी हो गया। अभी मैं प्लेट में सर्विस करने के लिए डालेगा। ये मंचूरियन हो गया, मंचूरियन भी डालेगा हम प्लेट में सर्विस के लिए। अभी इसको थोड़ा डेकोरेशन देना है। ये कुकुम्बर है, स्लाइस किया हुआ है। अभी एक टमाटर का एक फ्लावर बनाएगा, उसका छिलका खाली लेना है। इसको आराम से रोल करना है। ये हो गया टमाटर का फ्लावर। इसको ऊपर कैप्सिकम का लीव्स बनाया। ये हो गया राइस का। अब इसको डेकोरेशन के जो जिंजर है, अदरक है वो चॉप किया हुआ है थोड़ा, उसे भी एक फ्लावर दे देगा। ये टमाटर का फ्लावर है, थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन डाल रहा है। ये हो गया वेजिटेबल मंचूरियन और वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप इंतजार कीजिए।